दिल्ली के फोटोग्राफर अंकित सक्सेना के केस में एक नया मोड़ आया है। इस मामले में यूपी पुलिस भी तफ्तीश पूरी शिद्दत से कर रही है और अंकित के घर पर नेताओं का आना भी बदस्तूर जारी है। लेकिन हाल ही में ये मामला और गर्मा गया जब अंकित के परिवार वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले। रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि अंकित के परिवार वाले अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के बाद की गई घोषणा से बहुत ज्यादा नाराज हैं। अंकित के चचेरे भाई अमित सक्सेना और आशीष ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने हमारे साथ मजाक किया है। उन्होंने कहा कि अंकित के परिवार को केवल 5 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया गया है और यह सरासर गलत है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ इस घटना से केजरीवाल का एक नया चेहरा सामने आया है, जहां आए दिन ऐसी घटना होने पर वो की राज्य सरकारों से 1 करोड़ रुपए देने की मांग करते हैं। वहीं अंकित के मामले में उन्हें लगता है कि ये उनके दायरे से बाहर है। वहीं ये खबर उत्तर पश्चिमी दिल्ली के एक स्थानीय अखबार में भी छपी है। अंकित के पिता यशपाल सक्सेना, मामा संजय सक्सेना और मौसेरे भाई आशीष दुग्गल जब केजरीवाल से मिलकर आए तो वो बहुत दुखी नजर आए और रिपोर्ट्स की माने तो अंकित के पिता की आंखों में आंसू थे और वो कह रहे थे कि हमारी मजबूरी और लाचारी का सरकार ने मजाक उड़ाया है। आपको जानकारी देते चले कि अंकित अपने घर में इकलौते थे और उनके माता पिता दोनों ही बीमार रहते हैं और वो बेसहारा हैं। ऐसे में बिना बेटे के 5 लाख रुपए में वो क्या कर सकते हैं। बहरहाल दिल्ली सरकार की तरफ से इस परिवार को सिर्फ और सिर्फ निराशा का मुंह देखने को मिल रहा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।